टूटे हुए दिल का बस एक टुकड़ा है, दो बार टेक से उसमें ही छिपा है। जहां सड़कों पर दिखते थे लोग बेदर, वहां एक मुसाफिर था नाजुक और निहायक। उसे लगता था कि जग की जबरदस्ती से और खुद की बेचैनी से बचने का बस यही एक तरीका है। बार बार यही सोचे कि उसे करना क्या है, उसका सपना तो बस एक आजाद दुनिया का था। ये तोबा टेक सिंह की कहानी है जो अब भी हमें सुनाई देती है और हर सुनने वाले को अपनी तरफ खींचे। जो दुख बख्शा था मंटो ने अपने जीवन में, जो दुख बख्शा था मंटो ने अपने जीवन में, उसे कहानियों में छिपाया है दिल में ही ठहरा है। ये टोबा टेक सिंह भी ऐसी ही एक कहानी है जो समझाती है हमें जिंदगी के अर्थ की पहेली। हाँ, ये वही कहानी है। एक देश के दो टुकड़े हुए थे तब, एक देश के दो टुकड़े हुए थे तब, फिर भी दोनों का था अपना ही एक। ये वही कहानी है। तो आइए देखते हैं मंटो का टोबा टेक सिंह। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Let's go!
बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में कैद हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा देना चाहिए, और जो हिंदू पागल और सिख पागल पाकिस्तान के पागलखानों में कैद हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर देना चाहिए। अब वो मुसलमान पागल जिनके परिवार हिंदुस्तान में थे, उन्हें तो वहीं रहने दिया गया और बाकियों को सीमा पार रवाना कर दिया गया। उधर का तो मुझे पता नहीं, पर इधर लाहौर के पागलखाने में जब ये तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प वाकयात पेश आने लगे। मेरा हिंदुस्तान है, मेरा
अभी एक चीज समझ में नहीं आई, क्या कि हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? तो अगर हम पाकिस्तान में हैं तो ये हिंदुस्तान कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ समय पहले चीनी यहीं बैठे हुए और हिंदुस्तान में थे? और अगर ये पहले हिंदुस्तान था तो फिर पाकिस्तान कहाँ था? तो इसका मतलब हिंदुस्तान में? लाहौर का एक हिंदू वकील हुआ करता था जो मोहब्बत में पढ़ के पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान चला गया है तो उसे सुन के बड़ा सदमा हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उससे प्यार हो गया था। खा रही हूँ। तू खाना खा रहा है? बस लज्जो, जो भी इस जेल में
वैसे तेरा यहाँ आना कैसे हुआ लज्जो? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या क्या लज्जो? पर क्या क्या? मैं वापस अमृतसर जा रही हूँ। नहीं पर सुनो तो लज्जो। अफसोस, इस चक्कर में तो उसने वकालत को भी ठुकरा दिया था, पर दीवानगी की हद में वो अपना आपा खो चुका था। वो उन तमाम मुसलमान लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने हिंदुस्तान के दो टुकड़े करा दिए थे। उसकी प्रेमिका हिंदुस्तानी बन चुकी थी और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की खबर आई तो उसका रवैया कुछ यूं हुआ। ओ पाकिस्तान, ओ हिंदुस्तान, ओ की कर देता तुसी, ओ की कर देता तुसी, ओ की कर देता। तुम चिंता मत करो, तो तुम्हें भी हिंदुस्तान ले जाएगा। फिर तुम लज्जो के साथ रहना पूरी टाइम। मैनू हिंदुस्तान नहीं आना, मैनू हिंदुस्तान नहीं जाना, मैनू इतनी रहना। क्यों क्यों नहीं जाना? सच्ची मेरी प्रैक्टिस नहीं चलूगी। मैनू इतनी रहना, इतनी रहना, मैनू इतनी रहना, इतनी रहना। का नाम भीषण सिंह है, जिसे पागल खाने में दाखिल हुए पूरे 15 साल हो चुके हैं। हर वक्त उसकी जुबान पे कुछ अजीब से अल्फाज चला करते हैं, जैसे 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 वो न दिन को सोता न रात को। पहरेदारों का कहना था कि वो पिछले 15 सालों से एक दिन भी नहीं सोया था, लेटता भी नहीं था, कभी कभी किसी दीवार से टेक लगा देता था। हर वक्त खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, लेकिन इस तकलीफ के बावजूद भी कभी आराम नहीं करता था। बंटवारे के बारे में जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात होती तो वो बड़े ध्यान से सुनता। कोई उससे पूछता कि उसका इस बारे में क्या ख्याल है तो वो बड़ी गंभीरता से जवाब देता, पाकिस्तान गवर्नमेंट। सियालकोट पहले हिंदुस्तान में हुआ करता था, पर अब सुना है पाकिस्तान में। क्या पता लाहौर जो कल पाकिस्तान में था कल को हिंदुस्तान चला जाए, या क्या सारा हिंदुस्तानी पाकिस्तान बन जाए? या फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान सिरे से ही गायब ना हो जाए। टेक सिंह आखिर कहां है? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता। पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? जो भी बताने की कोशिश करते वो खुद इसी उलझन में पड़ जाते। भीषण सिंह
को देखो जरा, बाल झड़के बिल्कुल थोड़े रह गए थे क्योंकि वो बहुत कम नहाता था। उसकी दाढ़ी और उसके बाल आपस में ही जम गए थे। इस शख्स की शक्ल इतनी भयानक हो गई थी, पर ये इंसान किसी का नुकसान नहीं करता था। 15 सालों से उसने किसी से झगड़ा नहीं किया था। पागल खाने के पुराने नौकर उसके बारे में कहते थे कि तोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थी, खाता पीता जिम्मेदार था, पर अचानक ही उसका दिमाग फेर गया। यहां तक कि उसके रिश्तेदार मोटी मोटी जंजीरों में बांध के उसे पागल खाने में दाखिल कराने के लिए लाए थे। महीने में एक लोग, दो लोग एक दो बार मुलाकात के लिए आ जाते। ये सिलसिला कई साल चला, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे की बात आई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम भीषण सिंह है, पर सब उसे उसके गांव के नाम से पुकारते हैं, तोबा टेक सिंह। हम हैं खुदा के भेजे हुए बंदे, हमें सब पता है। हे खुदा, मुझे अपनी शरण में ले ले खुदा। हाँ ठीक है, उठो उठो। एक बात बताओ, तुम्हें दस्त है ना? तुम्हें कैसे पता? हमें सब पता है। अरे तोबा टेक सिंह, आओ आओ, तुम भी पूछो, क्या पूछना है? अरे मैं ही आता हूँ, पूछो क्या पूछो। तोबा टेक सिंह कितने हैं? तोबा टेक सिंह, रुक रुक, जी जी, अच्छा, तोबा टेक सिंह ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में। हाँ, क्योंकि अभी उन्होंने हुक्म नहीं दिया। पर दे, कर कर दे, अलग से कर दे, आला दे, मौत से डाल दे, भाई गुरु जी तक खान सा, भाई गुरु जी तक पता, जाओ बोला सारियाँ, सारियाँ का, जाओ बोला सारियाँ, सारियाँ का। शायद उसका मतलब है कि तुम मुसलमानों के खुदा हो। अगर तुम सिखों के खुदा होते तो तुम जरूर हुक्म देते। The way things are, we'll be left to rot here in this partition business. You're right. What will we do then? अरे हाँ, इस कैद में जो एंग्लो इंडियन कैदी थे वो असल में पागल नहीं थे, बल्कि सुनने में आया है कि उन्होंने जनरल डायर के दहाए हुए जुल्म में कई क्रांतिकारियों और बेगुनाह लोगों को पनाह दी थी। इसीलिए उन्होंने सजा से बचने के लिए पागल खाने का सहारा लिया। You saved so many Indians under the nose of the company. Is it even worth it now? Kya bolna cha rahe ho? They will be sent to their own parts of the land. Hamara kya hoga? Do you think if we write to the Queen, they'll send help? Well, certainly hope she does, because if she doesn't, then... You know, they'll never accept us. Let's just hope they hold their end of the bargain. Yes. तोबा टेक सिंह को बिल्कुल नहीं मालूम कि कौन सा दिन है और कौन सा महीना, पर
जब भी उसके अपने उससे मिलने आते तो उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता। उस दिन वो खूब साबुन लगाकर नहाता और वो एक पहरेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है, लेकिन कई महीनों से उसने किसी के आने की खबर ना दी। आज ना ही उसने साबुन से नहाया और ना ही उसने किसी के आने की खबर। तबादले की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर, उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्त पहुंच गई थी और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू और सिख पागलों से भरी हुई लॉरियां लाहौर पुलिस के मुहाफिज हस्ते के साथ रवाना होने को तैयार थी तो वाघा बॉर्डर पे तबादला शुरू हो चुका था जो रात भर चला। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरान के हवाले करना बड़ा ही कठिन काम है। कुछ तो बाहर ही नहीं निकल रहे और जो निकले उन्हें संभालना मुश्किल। कोई गालियां बक रहा था, कोई नारे दे रहा था, तो कोई गा रहा था। कुछ आपस में लड़ झगड़ रहे थे तो कुछ लगातार रोए जा रहे थे। पागल औरतों का जोरों शोर सारी सारी तरफ था और सर्दी इतनी कि दांत से दांत बजे जा रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर आखिर क्यों फेंका जा रहा है। वो चंद लोग जो कुछ समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। दो तीन मर्तबा तो फसाद होते होते रह गया क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को नारे सुन सुन कर तेज आ गया था। जब भीषण सिंह की बारी आई और उसका नाम तबादले के लिए रजिस्टर करने की बात आई तो उसने किसी से पूछा तोमा तेग सिंह कहा, और साथ खड़े अफसर ने कहा कि पाकिस्तान में। ये सुनकर भीषण से उछल गया और बेकाबू हो गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगी, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। उससे ये भी कहा गया कि टोबा टेक सिंह को अनकरीब ही हिंदुस्तान भेजा जाएगा, पर फिर भी वो ना माना। सिपाहियों ने उसे जब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो दरमियान में एक जगह सूजी हुई टांगों को जमा कर ऐसे खड़ा हो गया जैसे दुनिया की कोई ताकत अब उसे नहीं हटा। इतने में वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, आ, 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 आ,
वो आदमी जो 15 वर्षों तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, आधे मुंह लेटा था, इधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही कांटेदार तारों के पीछे पाकिस्तान, बीच में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, पड़ा था तोबा टेक सिंह। Of our play. So first we have Bishan Singh, which is played by Alan. Then we have Sujita and Samuel, who played the role of Anglo-Indians. We have Anushya and Gurdama, who are the guards. And Arindam, who played the lawyer lunatic, Vakil. We have Pian, who played the tree lunatic. We have Deepthi, who played the role of Malvi. Then we have Aisha, who played the role of Kuda and Jinna. Then we have Kritika and Nitesh, who played the role of lunatics. Then we have Sanya, who played the role of Lajo and Fazildin. Then we have Shivam, who played the role of Tara Singh. Yashita, who played the role of Lunatic. And finally, we have Junaid, who was the narrator of our play. And myself, Harshini. Alan and I, we directed and wrote the script of the play. And so on behalf of the drama company, I would like to extend a heartfelt vote of thanks to all of you for joining us this afternoon for this wonderful theatre experience. It has been an absolute pleasure to have you here with us, and we sincerely hope that you have enjoyed the show. And many of us have put the best efforts to ensure that this production runs smoothly and hassle-free. So it's now time to acknowledge all these unsung heroes for their valuable contribution. First and foremost, we would like to thank the Almighty for their abundant blessings. Our sincere appreciation goes to Reverend Father Dr. Viju P. Devasi, our Dean and Campus Director, Reverend Father Sunny Joseph, Campus Administrator, for affording us the chance to undertake this endeavor, for constantly providing us with this unwavering support. We would also like to put in record our gratitude to the faculty members for their efforts to make this event successful, especially Megha ma'am for being our mentor. Thank you so much, ma'am. Our gratitude is extended towards Rekha ma'am, who is the head for Department of for the School of Humanities and Social Sciences. We would also like to thank Anuja ma'am, who is the Academy Coordinator, Department of English and Cultural Studies. We would like to thank Kanupriya ma'am, Aditi ma'am, Prabha ma'am, Jyoti Prakash sir. Thank you so much for helping us make this event possible. And then we would also like to express our gratitude to the serial team for their videography and photography services. And
we would also like to thank the auditorium management team, which is headed by Edwin sir. And Gaurav sir, thank you so much for staying with us for the late hour practices. We appreciate your technical support as well as your willingness to make the auditorium available. Now we would like to express the deepest appreciation to our cast and crew who have worked tirelessly to bring this production to life. Their dedication and commitment to this project have truly been outstanding. Thank you so much. Without you guys, I think this wouldn't have been possible. And then I would like to mention Vanshita. She helped us making the poster. She was our editor. Then we have Lavanya, who was our social media, who was a part of our social media team. She helped us make content for social media. Then we have, she's there. Then we have Mihir, who's also part of the videography team. And then we have Darshan also. He's also part of the photography team. And then we would also like to thank the second year MA English. Thank you so much for being the part of our production at the last minute. Thank you so much. And last but not the least, we would express gratitude to all of you for coming here, taking your time. I know it's pretty late. Thank you so much for coming. Thank you for being such an amazing audience.